chapter number 4. इसमें वर्क एंड एनर्जी इस चैप्टर का नाम है, तो हम इसमें वर्क और एनर्जी को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आज हम इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक जो कि वर्क है उसको देखते हैं कि वर्क क्या है। डेली लाइफ में वर्क से मुराद हम लोग काम करना लेते हैं, कि कोई काम हो रहा है, कोई काम कर रहा है तो उसे हम लोग वर्क कहते हैं। जैसे कि भागना, चलना, पढ़ना, पकाना और खाना, ये हम लोग डेली लाइफ में काम लेते हैं। लेकिन फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, हम इसे भी डिफाइन करते हैं कि फिजिक्स में कैसे है। फिजिक्स में डिफाइन कर सबसे पहले डिफाइन हम वर्क को करेंगे, फिर हमें इसका नेचर बताना पड़ेगा। थोड़ा सा ना स्केड्यूल बना लेते हैं, फिर आसानी से हम लोग को पता चल जाएगा हम करने क्या चाह रहे हैं। वर्क है, फिर हम लोग उसका नेचर बताएंगे, उसका नेचर क्या है। फिर हम लोग को ये भी बताना पड़ेगा कि उसके फैक्टर के एजेंट पर वर्क डिपेंड करता है। फिर फैक्टर के बाद ये कंडीशंस भी बतानी पड़ेंगी कि वो क्या कंडीशंस हैं जिन्हें लगाने से फिजिक्स में वर्क माना जाता है। उन कंडीशंस को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि वो कैसी कंडीशंस हैं, एक्सप्लेन करना पड़ेगा हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि वर्क की टाइप्स हैं तो वो कितनी हैं, और उसके बाद इन्हें भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये हमारा कुछ आज का स्केड्यूल है जिसके मुताबिक हम लोग वर्क को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्क को डिफाइन करते हैं कि वर्क क्या चीज़ है। वर्क, हम जानते हैं कि वर्क जो है वो एक स्केलर प्रोडक्ट है। वर्क जो है स्केलर प्रोडक्ट है जो कि टू वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट से आता है। हम लोग इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द डॉट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट of two vector quantity जो एक force है and displacement है, दूसरी quantity हमारे पास displacement है। इन दोनों के product को हम लोग work कहते हैं, इसे इस तरह से हम लोग define करते हैं। work को हम लोग जानते हैं, work को define तो हम लोगों ने ऐसे कर दिया, लेकिन इसकी कोई ना कोई mathematical form भी तो होगी ना। work को define करने के लिए physics में एक से ज़्यादा mathematical form है। हम work को F dot D इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम वर्क को एफ डी कॉस थीटा इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम वर्क की डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि जो वर्क है वो डिस्प्लेसमेंट और डेट कंपोनेंट ऑफ फोर्स के बराबर है जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। डेट कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये इसकी कुछ मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होगी जिस तरह से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए कि हम लोगों ने डेट कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहा ना कि जो डी के डायरेक्शन में एक्ट करे, हम लोग इसे यूँ लिखते हैं डी ऐसे ही, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो डी के डायरेक्शन में होता है उसे हम एफ एक्स कहते हैं, और इसे एफ एक्स को हम लोग एफ कॉस थीटा लिखते हैं। हम लोग सेकेंड चैप्टर में कर चुके हैं, तो मैं इसे एफ डी कॉस थीटा लिख सकती हूँ, जिसकी मैथमेटिकली फॉर्म हो गई। अब नेचर, वर्क का नेचर क्या है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर के लिए दो चीज़ों का होना मस्ट है, एक चीज़ उसकी यूनिट और दूसरा चीज़ नंबर। वर्क के एक से ज़्यादा यूनिट है, हर सिस्टम में वर्क का कोई ना कोई यूनिट है, लेकिन यूनिट का जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें वर्क का जो यूनिट है ऐसे सिस्टम में जो वर्क का यूनिट है उसे हम लोग जॉल कहते हैं। जॉल, इसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे जॉल बोलते हैं और जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसके फैक्टर क्या हैं, वो दो फैक्टर जिन पे वर्क डिपेंड करता है। वर्क में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। वर्क की डेफिनेशन में हम लोगों ने बताया कि वर्क एक फोर्स और दूसरी चीज़ डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करती है। इन दोनों चीज़ों का वर्क में बताना ज़रूरी है। एफ डी कॉस थीटा, ये दोनों फैक्टर वर्क के लिए बताना ज़रूरी है। एक चीज़ उसकी फोर्स, दूसरी चीज़ उसका डिस्प्लेसमेंट। और कोसाइन एंगल, जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करते हैं तो कॉस एंगल आ जाता है। ये दोनों पे मस्ट फोर्स डिपेंड करती है। एक चीज़ होनी चाहिए उसका फोर्स, दूसरी चीज़ डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों पे वर्क डिपेंड करता है। अब वो कंडीशंस क्या हैं जिनको लगाने से हम लोग फिजिक्स में वर्क मानते हैं कि अब वर्क होगा अगर ये दो कंडीशंस अप्लाई की जाए। वो कंडीशंस देख लेते हैं।
फिजिक्स में वर्क के लिए दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन कि ये बॉडी पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करे, और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि अंडर दिस एक्शन ऑफ फोर्स, इस फोर्स के जेरे असर जो आपकी बॉडी है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, यानी कि वो डिस्प्लेस करे, डिस्प्लेसमेंट करे। डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये एक बॉडी है ए, पॉइंट ए पर है, उस पर मैंने सम एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाई, और वो फोर्स एफ लगाने से आपकी बॉडी जो है वो डिस्प्लेस कर जाती है, डिस्प्लेसमेंट डी ट्रैवल करती है और पॉइंट बी पर पहुंच जाती है। तो अब आप कहेंगे कि आपकी इस बॉडी ने वर्क किया है, क्यों किया है? कि पहली शर्त भी पूरी हो रही है, फोर्स लगी, दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है कि बॉडी ने इसके जरिए से, इस फोर्स के जरिए से डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब दूसरी बात कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो मैं साथ कोस एंगल लगाऊंगी, और मुझे ये भी पता है कि कोस यहाँ पर एंगल ज़ीरो है, तो कोस ज़ीरो क्या हुआ? कोस ज़ीरो वन होता है, तो हमारे पास जो वर्क है एफ टी के बराबर आ जाएगा ना। हम लोग जानते हैं ना कि कोस थीटा जो है वो कोस ज़ीरो के बराबर है इस सिचुएशन में, और कोस ज़ीरो जो है वो वन में होता है, ये कोस की मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसकी एक और टाइप देखते हैं। ये तो फोर्स की वो कंडीशन होगी ना जब वो जिस्म पर फोर्स लगे और जो जिस्म है वो फोर्स ही के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे, लेकिन अक्सर ऐसा भी तो होता है ना कि हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं बट जो बॉडी है वो फोर्स के सिम्प में उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़रूर कवर करती है। वो कंडीशन कौन सी है? ये दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों की खेलने वाली ट्रॉली है जिसको अक्सर वो लोग थ्रेड बांधकर घुमाते फिरते रहते हैं और फ्लोर पर चलाते हैं, वो इसे एक फोर्स एफ देते हैं, और जो उनकी ट्रॉली होती है वो फ्लोर के साथ डिस्प्लेसमेंट डी ट्रैवल करती है। अब इस सिचुएशन में हम लोग वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं? इस तरह की सिचुएशन जैसे कि ट्रॉली होगी, लॉन मूवर हो जाता है आप लॉन का, जिससे आप लोग ग्रास काटते हैं अपने लॉन का, वो भी इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है। इसे हम लोग कैसे अप कर देते हैं? इसके लिए हम लोगों ने वर्क जब निकालना होता है तो सबसे आसान तरीका ये है कि फोर्स को उसके टू कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया जाए। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फोर्स एफ है उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, एक इसका एफ वाई कंपोनेंट होता है जिसे हम लोग एफ साइन थीटा कहते हैं, दूसरा जो है वो एफ एक्स कंपोनेंट होता है जिसे हम लोग एफ कॉस थीटा कहते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है जिस पर डिस्प्लेसमेंट एफ और डी आपस में एक सर्टेन एंगल पे होते हैं। ये एफ का एफ वाई कंपोनेंट, एफ एक्स कंपोनेंट और ये डिस्प्लेसमेंट डी, एफ एक्स और डी एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब वर्क जो है, हम लोगों ने शुरू में बताया था कि वर्क फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वो, और डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं इसके साथ इसके प्रोडक्ट में, तो हमारे पास एफ बी कॉस थीटा आ जाता है। अब कोस थीटा जो है कोस ज़ीरो है, और हम जानते हैं कि कोस ज़ीरो जो होता है वो वन है। अगर कोस थीटा की जगह हम लोग कोस ज़ीरो लगा दें, कोस की सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाती है जो कि वन है, तो अगर मैं इस जगह एफ टी कोस ज़ीरो लगाऊं तो ये मेरे पास एफ डी बन जाता है, यानी कि मैक्सिमम वर्क हो जाता है। अब दूसरी बात ये कि हम लोगों ने एफ वाई कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्यों नहीं लिया? इसकी रीज़न ये है कि हम लोगों ने शुरू में बताया था कि वर्क बराबर होता है एफ का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का, और कोसाइन एंगल। कोस तो आता ही है लेकिन एंगल चेंज होता रहता है। अगर मैं एफ वाई लूँ तो एफ वाई का डी के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है, तो अगर मैं कोस 90 लगाऊँ तो हम जानते हैं कि कोस 90 ज़ीरो हो जाता है, कोस की सबसे कम वैल्यू है, मिनिमम ज़ीरो हो जाता है, तो ये हमारे वर्क को ज़ीरो कर देता है। यही वजह है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क नहीं होता, और हम लोग एफ एक्स का डी के साथ लेते हैं क्योंकि एफ एक्स जो है वो डी के डायरेक्शन में अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, इसलिए हम लोग इसका वो कंपोनेंट ले लेते हैं जो डी के डायरेक्शन में होता है। इसकी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, डेली लाइफ से इसकी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल ली जा सकती हैं, जैसे कि लॉन मूवर इसकी एग्जाम्पल में आ सकते हैं। रोज आप मैच बॉक्स देखते हैं, मैच बॉक्स जो है उस पर आप लोग जो उसकी स्ट्रिक है उसको मैच बॉक्स पर रब करते हैं तो भी आपको वर्क करना पड़ता है।
रेजिंग ऑफ अ बकेट, आप कोई भी बकेट है उसको रेस करते हैं बाय सम फोर्स एफ, तो ये भी आपका वर्क हो जाता है, रेजिंग ऑफ बकेट बाय फोर्स एफ, ये भी आपका वर्क हो जाता है। आप किसी जो बकेट है उसको कुएं में वाल में लटकाते हैं तो ये भी आपका वर्क है, लॉरिंग ऑफ बकेट। आप इसे कह सकते हैं कि लॉरिंग ऑफ बकेट बाय सम फोर्स एफ, ये भी आपका वर्क है। अगर कोई बाइसिकल है वो मूव कर रही है रोड पर तो वो भी एक वर्क है, मूविंग बाइसिकल ऑन रोड, ये भी एक वर्क है। और अगर किसी ने कुछ बुक्स उठाई हुई हैं और वो फासला ट्रैवल कर रहा है, मतलब कि वजन उठा के वो चलता जा रहा है तो फोर्स उस पर लग रही है और वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये भी वर्क हो गया। आप इसे यू भी कह सकते हैं, क्या पर्सन कैरेट सम बुक्स एंड मूविंग, और वो चल रहा है। जैसे कि आप इसकी मिसाल ले सकते हैं कि हम लोग कॉलेज लाइफ में देखते हैं कि अक्सर जो सर्वेंट्स होते हैं उन्हें टीचर्स लोग कहते हैं कि वो ये वाली फाइल थर्ड फ्लोर से फोर्थ तक लेके गए, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड तक लाएं, तो वो जो बुक्स है उनको उठा के उन्हें फर्स्ट फ्लोर से सेकंड तक जाना पड़ता है, तो उनका वर्क ही हो जाता है ना कि वो बुक्स को उठाते हैं फिर ऊपर तक लेके जाते हैं, फोर्स अप्लाइड करते हैं फिर ऊपर जाते हैं, ये वर्क हो जाता है। इसके अलावा भी वर्क की बहुत सी मिसालें हैं, जैसे कि प्लेइंग ट्रॉली होती है बच्चों की जिसे वो प्ले करते हैं बाय सम फोर्स एफ, प्लेइंग ट्रॉली, ये भी इसी मिसाल में आ सकती है, जिसे वो थ्रेड बांध कर पुल करते हैं, ये भी इसकी एग्जांपल है। इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल आ सकती हैं, जैसे कि एक्सेलरेटिंग कार बाय फोर्स एफ, कार एक्सेलरेट कर रही है फोर्स एफ से, तो ये भी उसका वर्क है। रेस्ट पे कार खड़ी है, रेस्ट पोजिशन ऑफ अ कार बाय फोर्स एफ, ये भी एक वर्क है। वर्क की ना टाइप्स भी होती है, ज़रूरी नहीं कि वर्क, अगर ये हम लोग कह रहे हैं वर्क है तो वर्क, अगर जैसे फोर्स लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो हम लोग कहेंगे वर्क जीरो है, तो वर्क, लेकिन आगे से वर्क के भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। वर्क की तीन टाइप्स होती हैं, एक वर्क होता है पॉजिटिव, एक वर्क होता है नेगेटिव, और एक वर्क होता है जीरो। होता तो वर्क ही, लेकिन ये वर्क की कुछ टाइप्स है कि वर्क जीरो कब होता है, वर्क पॉजिटिव कब होता है, और वर्क जो है वो नेगेटिव कब होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्क पॉजिटिव कब होता है। पॉजिटिव वर्क तब होता है जब इसका एंगल जो है वो जीरो से ग्रेटर और 90 से लेस हो, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो इस तरह होना चाहिए, 90 से लेस होना चाहिए फोर्स और उसके दरमियान। इसकी कंडीशन ये भी हो सकती है कि दोनों इस तरफ पैरेलल हो, दोनों इस तरफ पैरेलल हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, या दोनों अपवर्ड पैरेलल हैं डाउनवर्ड पैरेलल हैं, ये सब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो है मुख्य सिचुएशन है कि कब पॉजिटिव वर्क आता है। इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि हमारा जो वर्क है वो पॉजिटिव हो जाता है। जब वर्क पॉजिटिव हो जाता है जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है ना वो वर्क को इंक्रीज करता है, वर्क की मैग्नीट्यूड को उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करता है, तो हम लोग कहते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स इंक्रीजेस वर्क इस सिचुएशन में। इसके एग्जांपल कौन सी हैं, इसके एग्जांपल में आप लोग कह सकते हैं जैसे कि रेजिंग ऑफ बकेट है, जब बकेट को उठाते हैं तो आप लोग बकेट को उठा कर ऊपर की तरफ जाते हैं, ये आपने बकेट उठाया और यही आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स भी अपवर्ड लग रही है, तो ये आपका पॉजिटिव वर्क हो गया। या आप कहते हैं कि जो आपका लॉन मूवर है उसको आप लोगों ने, वो आपका जो लॉन मूवर है वो ग्रास काट रहा है एट सम एंगल, आप कह दीजिए कि वो 60 के एंगल पे जो है वो ग्रास काट रहा है, तो ये भी एफ डी कॉस 60 हो जाएगा, ये भी आपका वर्क कुछ ना कुछ बता देगा, ये आपके वर्क को बता देगा क्योंकि ये आप 90 से लेस एंगल पे आ रहे हैं, जैसे ही आप 90 पे जाते हैं तो कॉस 90 जीरो हो जाता है, उस सूरत में आपका वर्क जीरो हो जाता है। इसकी एग्जांपल में आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा होगा कि अक्सर जो वर्कर्स होते हैं काम करने वाले मजदूर जो होते हैं वो ब्रिक्स को उठा के वर्कर्स कैरेट
ब्रिक्स जो उन्होंने उठाई होती हैं एंड मूविंग अपवर्ड, और वो अपवर्ड मूव कर रहे होते हैं बाय सम स्टेयर्स, छत तक लेके जाने उन्होंने ईंटें, या किसी जगह वो लेके जा रहे हैं या वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सब उसके पॉजिटिव वर्क में आ जाती हैं। अब वर्क नेगेटिव कब होता है? नेगेटिव वर्क की भी कुछ कंडीशंस हैं कि वर्क को जो नेगेटिव बना देते हैं। वर्क नेगेटिव उस वक्त होता है जब हमारा जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 होता जा रहा है। मीन्स ये कि डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा ये है तो फोर्स हम लोग 90 से इस एंगल पर लगा रहे हैं, इस एंगल, ये तो 90 है ना। अब जैसे ही 90 से फोर्स जो है एक्सीड कर जाएगी, बढ़ जाएगी, जैसे 90 के एंगल को क्रॉस करेगी, अगर फोर्स इस तरफ आ जाती है, फोर्स बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आ जाती है, फोर्स और डी जो है वो 180 के एंगल पे आ जाते हैं, तो ये सब का सब नेगेटिव वर्क हो जाता है, क्योंकि ये 90 के एंगल से बढ़ गया है, ये सारी की सारी फोर्स 90 के एंगल से अबव आ रही है, और जैसे ही एंगल 90 से बढ़ा होता है तो वो हमारे वर्क को नेगेटिव कर देता है। और जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो डिक्रीजेस द वर्क कर देता है, वो वर्क को डिक्रीज कर देता है, वर्क को डिक्रीज करने से मुराद इसकी मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर देता है, इसकी क्वांटिटी को, इसको इसकी वैल्यू को डिक्रीज करना शुरू कर देता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं, इसकी एग्जांपल में लॉरिंग ऑफ बकेट ले लीजिए बाय फोर्स ऑफ। कुएं में जब अक्सर आप लोग देखा होगा देहातों में पानी वगैरह निकालने के डाल उसको बाल्टी को या उसको बकेट को नीचे कुएं तक ले जाने के लिए फोर्स ऊपर अपवर्ड अप्लाई हो रही होती है, और जो आपका बकेट है वो डिस्प्लेसमेंट नीचे ट्रेवल कर रहा होता है, तो एफ और डी के दरमियान जो एंगल है वो 180 का आ जाता है। ये हमारा एफ और ये हमारा डी, और इनके दरमियान जो एंगल है वो सिचुएशन में 180 होता है, जो कि वर्क को नेगेटिव कर देता है। इसके अलावा ब्रेकिंग प्रोसेस जो होता है कार का, ब्रेकिंग प्रोसेस ऑफ कार बाय फोर्स ऑफ, ये भी एक नेगेटिव वर्क हो जाता है। इसके अलावा वर्क, ये तो नेगेटिव वर्क की कुछ मिसालें थी, और भी इसकी बहुत ज़्यादा मिसालें दी जा सकती हैं। अब वर्क नेगेटिव तो हो गया, वर्क पॉजिटिव भी हम लोगों ने बता दिया। अब वो सिचुएशन कौन सी है जब वर्क ज़ीरो होता है, उस सिचुएशन को देख लेते हैं कि वर्क ज़ीरो कब होता है। ज़ीरो वर्क की भी कुछ कंडीशंस हैं, जब हमारा एंगल एग्जैक्ट 90 हो जाए तब वर्क ज़ीरो हो जाता है। इसके अलावा इसकी एक और कंडीशन भी है, दूसरी ये है कि या तो वर्क में फोर्स ज़ीरो हो जाए, या फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाए, या हमारी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एट अ टाइम ही ज़ीरो हो तो हमारा वर्क ज़ीरो होते हैं। ये हम लोग कैसे अब कहेंगे, इसकी इस सूरत में जो हमारा वर्क है वो बिकम ज़ीरो हो जाता है, और जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू डी हो जाते हैं, या फोर्स हमारी ज़ीरो हो जाएगी या डी हमारा ज़ीरो हो जाएगा इस सिचुएशन में। ये भी इसकी सिचुएशन थी कि कब होता है। अब आप इसे एग्जांपल देखिए कि आप कहते हैं कि आपने कुछ अ पर्सन है, आप इस तरह कह लीजिए अ पर्सन स्टैंडिंग बाय कैरेट सम बुक्स, वो बुक्स उठाए खड़ा है, ठीक है, तो कोई वो वर्क कर रहा है, वो फोर्स तो अप्लाई कर रहा है ना बुक्स पे, लेकिन कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया ही नहीं, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं उसका वर्क, क्योंकि इस सिचुएशन में हम लोग कहेंगे फोर्स तो है बट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट डी है वो ज़ीरो है, तो डी को अगर हम लोग एफ से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे वर्क को ज़ीरो कर देता है। इसी तरह मुझे बताइए कि अगर कोई शख्स बकेट को उठा के खड़ा हुआ है तो कोई वो वर्क कर रहा है, वो बिल्कुल भी वर्क नहीं खड़ा, क्योंकि वो बकेट को या स्लैग को, बोरी को, किसी भी चीज़ को, बैग को उठा कर खड़ा है, तो वो कोई वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि उस सूरत में उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं किया। इससे इसकी एक सिचुएशन आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप बाईसाइकिल हैं इज मूविंग अलोंग रोड, वो रोड के अलोंग मूव कर रहा है तो भी वर्क ज़ीरो होगा, क्यों, क्योंकि इस सिचुएशन में उसका जो वेट है mg वो डाउनवर्ड रिएक्ट कर रहा है, ये फोर्स इक्वल होता है ना, हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू mg होता है, मैं वेट को फोर्स इक्वल ले सकती हूँ, और जो वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है वो रोड के अलोंग कर रहा है, तो इस सिचुएशन में जो एंगल है वो 90 आ जाता है, जो कि वर्क को ज़ीरो कर देता है। तो ये कुछ सिचुएशन है जब हमारा वर्क जो है ज़ीरो हो जाता है।
तो हम लोग देखते हैं हम लोगों ने शुरू से क्या पढ़ा है, जब इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने वर्क को डिफाइन किया कि वर्क एक स्केलर प्रोडक्ट है, फिर नेचर बताई कि स्केलर क्वांटिटी है, फिर हमने फैक्टर्स बताए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, फिर हम लोगों ने इसकी कंडीशंस बताई कि इसके लिए दो कंडीशन होना ज़रूरी है, एक फोर्स दूसरा डिस्प्लेसमेंट। फिर हम लोगों ने ये भी बताया कि अगर फोर्स की सिम्प में ही डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क क्या होता है, और अगर उसी की सिम्प में वर्क ना हो तो क्या सिचुएशन होती है। इसके अलावा हमने इसकी एग्जाम्पल्स दी। फिर हम लोगों ने इसकी टाइप्स को डिस्क्राइब किया कि पॉजिटिव वर्क कब होता है, नेगेटिव वर्क कब होता है और जीरो वर्क कब होता है।